अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ प्यारी मरियम की सिस्टर दुआ सिस्टर। तो फिर ना आज मैंने अपना फेस रिवील करना है, तो इसलिए फिर हम आपको दिखाते हैं। और मैं यूनिवर्सिटी वैसे आ गई होंगे, हम कैफे जा रहे हैं क्योंकि आज बड़ा लेट नाश्ता नहीं किया था। तो फिर ये आप देख सकते हैं कि मैं ये हूँ। आप देखना चाहते थे ना मुझे ऐसे फेस रिवील करते थे, आप हाथ ना आए, हाथ ना आए। तो आप देखिए मैं फिर ऐसे ही आया करूँ। आपको कैसे लग रहे? हाँ यार, अब मेरा बाकी बाल दुपट्टे को सेट ही करना पड़ेगा। आई लव चाइनीज, बहुत मुझे अच्छे लगते हैं चाइनीज। अब इनसे हिम्मत नहीं हो रही है बात करने की, कैसे बात करूँ। तरह मैंने अपना मिल्क शेक ले लिया और ये वहाँ मिट्टी तेज से चाह दिया। लेकिन हमारे सारों की क्लासेस 8 बजे स्टार्ट होती है, 7:30 बजे पहुँच गया अभी बस। तो अब बार बार ना मुझे सेट करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, अपना ये निकाब, क्योंकि क्या आदत होती है लड़कियों की सेट करना। और साथ में जूस पी ली और आपको दिखाती हूँ आगे, फिर मैं अपने ब्लॉग में जा रही हूँ। हम फौरन से मार देते हैं रिवर्स जो भी कहते होते हैं। तो ये हम अपने ब्लॉग में आ गए। ये है मेरा ब्लॉग, जो कि आप कहते हैं कि कौन सा ब्लॉग है, तो देख सकते हैं ये मेरा ब्लॉग है। और फिर ये देखें, सुबह सुबह कोई बंदा नहीं है इधर। तो मरियम आइए, देखिए मरियम का मोबाइल कितना प्यारा है, मतलब के कवर प्यारा है, ये गुड़िया बनी हुई है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है, ऐसे खेलने वाला, लोग इसे खेलते हैं। मरियम आज कौन कौन सी क्लासेस हैं? आज 2 क्लासेस हैं, इंग्लिश 3 है बेटा, 3 है आज, वही 3 है ना, तो एक एजुकेशन की, तो 3 हो गई ना टोटल, हमारी 3 क्लासेस है। क्लास खुल गई है और सिर्फ मैं और ये मरियम आए हैं, जो के जाने लगे अंदर। तो फिर मैं आपकी क्लास में आ गई हूँ, जो कि हमारी क्लास वेली बैठी हुई है। ये हमारी जी आर जो कि मुंह बना के खड़ी हुई है। जी मैम आ गई हैं, लेकिन मेरा अंदर जाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, क्लास तो ले सकते हैं ना। तो फिर आज हम अपनी पुरानी क्लास में जा रहे हैं, खुशी की इंतहा। तो ये हम अपनी पुरानी क्लास में आ गए, इतनी खुशी। सबसे लास्ट रो पे हम बैठे हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमसे फर्स्ट रो पे बैठा नहीं जाता। मैं अमन तो इंक वाले पेन से काम करती है, क्यों तो 5 क्लास बच्ची है। अमन पेन चलाते हुए जो कि नया लिया, चल नहीं रहा। चलो आप चल गया, आप कोशिश करिए लिखने की। अमन लिखते अपना नाम, ये अमन की राइटिंग है। नहीं नहीं ये नहीं राइटिंग, मेरी राइटिंग ये है। अमन कह रही है राइटिंग मेरी ये नहीं है, ये राइटिंग है अमन की, देख यारी राइटिंग है। माँ मेरी तो बहुत ही गंदी है, हमारी रियलिटी नहीं चलती, लगता है क्लास नहीं होनी ना उसे। तो फिर हम अपनी क्लास में वापस जा रहे हैं, तो कह रही थी डायरी, सीन डायरी मुझे किसी ने दी थी। तो ये हम अपनी पुरानी क्लास में वापस आ गए, जो कि मेरी सीट ये है। तो देखे पीछे कितना शोर आ रहा है, क्योंकि अभी मैम नहीं आ रही तो इसलिए शोर आ रहा है। और ना खा रही है बिस्किट, देखे इकरा बिस्किट, ये इकरा के बिस्किट, जो कि इकरा खुद ही खा रही है किसी से नहीं। तो ये रिमशा कह रही है कि इसी में ना कही है, जैसे क्लास में ना पाँव पर रख के बैठी है, दूसरे बंदे का सारा कुछ खराब कर देती है। मैम ने ये हमें बीसीटी लिखने के लिए दी है, और ये देखें ये सारे लिख रहे हैं, इकरा ने भी लिख लिया है। हो गया मेरा काम और मैं मैम को चेक करवाने जा रही हूँ। आज मैं भी कितनी प्यारी लग रही हूँ, अब तो मैं ऐसे आया करूँगी ना। फ्रेंड आयशा जो कि आज बहुत हसीन लग रही है। फिर हम जा रहे हैं कैफे, अपनी साथ तीसरी गायब हो जाती है, ऊपर जा रहे हैं। अपने हाथों का ना सिस्टम मैं नहीं भूल सकती, मतलब कि ये तो मेरी आदत है ना, हाथों का साथ लाना। नहीं आ गया, यही है ना, नहीं ये नहीं। जो कि आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं, वो गाड़ियों से लगे। तो ये बहुत ज़्यादा रश है, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा आवाम है। तो नहीं आप लोगों को ऑकवर्ड लगता कि मैं ऐसे की तुम ना आज, फिर अभी बस इधर आके ना बंदा भूल जाता है कि क्या लेना है, इतना सारा कुछ होता है, समझ ही नहीं लगती क्या लेना है। ये जल्दी करें ना, हमारी क्लास और स्टार्ट हो गई है भाई, मुझे देना ये ले, कर दे दिया भाई डालते हुए, जो क्या फ्राइज दे रहे हैं इकरा के, पकड़े मन, ये चिकन माय फेवरेट चिकन, ये सब कुछ। चलो ये अब हम कैचअप की जानी बढ़ते हैं, जो कि हमने कैचअप लेना है इधर से, तो रहा है कैचअप मेरा भी साइड पे डालना, साइड पे डालना, चल बस बस बस, बस।
देंगे। चलो लड़कियों चलो। तो फिर हम जाते हुए बाहर चले चले चले, ज्यादा रश है अब आज तो। और फिर मैं, हमारी मैम आ गई है जो कि मैं बुला रही हूँ, हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। बड़ी ज्यादा किस्म की लग रही है, हालांकि परसों बारिश हुई थी, कल के परसों बड़ी तेज बारिश हुई थी, हम कंबल लेके, कंबल नहीं खेस चादरें लेके सोए हुए थे, इतनी ज्यादा रश थी। और अभी इतनी धूप है कि मुझे पसीने आ रहे हैं बहुत ज्यादा। हम क्लास में जा रहे हैं क्योंकि भाग भाग के जाना है जल्दी जल्दी, और क्या अपना लेके जा रहे हैं साजो सामान। आपको मेरा फेस काला नजर आ रहा है क्यों? तो फिर हम आगे जा रहे हैं अपनी क्लास की तरफ। हम अपनी क्लास में आ गए जो कि हमें खाने लगे। एमन लगा रही है अपना चार्जर, ये इकरा भी अपना सिस्टम खा रही है, ये खा रही है इकरा का फेवरेट फ्राइज, फ्राइज फ्राइज ही बन जाएगी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। ये देखिए हमारी पार्टी हो रही है, ये हमारा पिज्जा आया, और ये क्या है सारिया ये पास्ता। मुझे तो हम आके वाली पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है तो तुम्हें नाम भी नहीं पता तो फायदा क्या? हाँ तो ये तो नहीं होता ना कि जो चीज़ हम खाए उसका नाम बताओ, बस मुझे चिकन का नाम पता है वो इसमें डला ही होगा। तो ये आमिर भाई से निकालते हुए, आमिर भाई से निकला ही नहीं है जो कि सारिया ने मुझे बुलाया, और ये मेरे लिए छोटू सा पीस कितना। कैसी हो लोगों, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, इसको फॉलो करो। ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए रखा हुआ जो कि नम आ ही नहीं रही थी लेकिन आ गई, फिर उसे दे दिया। आज फिर आई हूँ ये ब्लॉग बनाने इधर गांव में, देखिए कितनी ज्यादा रश है आज तो, बहुत ज्यादा आवाम बैठी हुई हुई है। और वो कह रही है जाना है बस की तरफ जो कि मेरी बस है, और ये देखिए ये सारा कुछ टूटा हुआ है और कुछ बन रहा है इधर, अब पता नहीं क्या बना रहे हैं। इतने टाइम हो गया कब से कुछ बनाए रहे हैं, नहीं बना अभी तक, देख सकते हैं आप। मैं इतनी तेज से चल रही हूँ और धूप भी बड़ी ज्यादा पड़ रही है, ये देखे आंखें बंद हो रही है। और ना मैं यूनिवर्सिटी से बाहर जाने लगी हूँ क्योंकि तैयबा यूनिवर्सिटी से बाहर आज फिर मेरी क्लास ने ना मुझे कहा कि तूबा तुम्हारे ब्लॉग्स हमने देखे और मज़े के थे, मतलब के सारे देखे, मैंने कहा क्योंकि वो तुम लोग इतने वेले हो। और ये मैं फिर अब समझ नहीं लगी कौन से गेट से बाहर जाना, तो मैं आगे जाती हूँ। तो कह रहा है इस रिक्शे पर बैठ के बाहर चली जाऊँ, लेकिन ना क्या कर सकते हैं। तो फिर ये देखिए मैं ना बाहर जा रही हूँ और बहुत दूर पड़ा है जाना, इतना दूर, उफ इतनी गर्मी में चलना अकेले सबसे मुश्किल है, अकेले चलना जो कि मैं अभी चल रही हूँ और आप लोग ये देख सकते हैं, ये सारी आवाम बैठी हुई है। लोग कहते हैं लड़कों की ना लाएं, लड़कों की ना लाएं, भाई लड़कों की ना लाऊं तो लड़कियों की लाऊं किसकी लाऊं? एक तो इस तरह इतनी गाड़ियां इधर है ना कि बंदा क्या कहे, इतनी ज़्यादा गाड़ियां, ऐसे लगता है कि ना फ्री में 100-100 रुपये की सेल में मिलती है इतनी गाड़ियां, इतनी गाड़ियां कहाँ से आती है लोगों के पास। तो फिर ये देखे मैं गेट से बाहर निकल गई हूँ और कहाँ पर जा रहे हैं हम पता नहीं, तैयबा मेरा वेट कर रही है कहीं पर। फिर मैं इधर चल रही हूँ और ये देखें पैदल चल रही हूँ, दूसरे शूज आज मैं पहन के आई हूँ, ये लेने आए हैं इधर बाहर निकल के सिर्फ ये गोला, और हम ये गोला लेके वापस चले जाएंगे अंदर, वो गोला तो ये ना तैयबा ने गोला लेके दिया है जो कि हम बाहर बाहर गोला लेने के लिए आते हैं, आप फिर हम अंदर जाएंगे। अल्लाह अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं इतनी खा गई हूँ। तो ये गोला खाते हुए कैसे खाऊं गोला, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं, निकाह में वैसे तो नहीं खाया जाता, मेरी तो धूप में आंखें निकल रही हो, ये पिघल रहा है, ऐसे गोला खाने लगी सारा मेल्ट करके। कई बार मैंने एक बात ही नहीं बताई, आज लड़कियां कह रही थी ये मुझे बहुत प्यारा हिजाब लगता है, मैंने उनकी बातें सुन ली, ओफ मुझे इतनी खुशी हुई कि हम साई कहे थे ये आपका हिजाब मेरा नया तरीके से, ये मैंने ऑर्डर कर दिया, देखिए मैं इसको पानी बना के अब पीऊँगी एक ही दफ़ा में क्योंकि निकाह में ऐसे खाया नहीं जा सकता। तो ये हम बस की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारी बस जल्दी खुल नहीं जाती लेकिन ना जल्दी बाहर जरूर जाती है। होटल पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम बस से नीचे उतर के क्योंकि हमारी बोतलें खाली हैं। हम जल्दी जल्दी बाहर के आ जाते हैं फिर अंकल हमें नहीं उठाएंगे। अगर तुम ऐसा तेबा पानी भरते हुए हम फिर अब भाग भाग के जाएंगे हमारे ढक्कन। तो फिर हम भाग भाग के जा रहे हैं जो कि हमारी बस के अंकल हमें हमारे बैग ही ना उठा दें। मैं अपने घर में आ गई हूँ।